हेलो फ्रेंड्स, रिम्पास कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कान्हा जी के लिए भोग। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। कृष्ण जी का भोग बनाने के लिए हमें चाहिए दूध। ये मैंने 500 ml दूध लिया है। ये मैंने मिश्री ली है। मिश्री अगर आपके पास नहीं है आप चीनी भी डाल सकते हैं। ये मखाने लिए हैं मैंने 1 कप। 2 चम्मच मैंने 2 टेबल स्पून नारियल का नारियल को कस के लिया है। ये मैंने थोड़े से बादाम के फ्लेक्स लिए हैं। काजू काट के लिए हैं। ये मावा लिया है थोड़ा सा। चिरौंजी है और ये मैंने हरी इलायची जो होती है छोटी इलायची उनको मैंने बीज निकाल के उनको ऐसे पीस लिया है। और मैंने थोड़ा सा लिया है घी। अब हम शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने कढ़ाई में 1 टेबल स्पून घी डाल दिया है और इसमें हमको जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं उनको हल्का हल्का भूनना है। ये मैंने काजू डाल दिए हैं। बादाम भी डाल दिए इसमें। चिरौंजी भी डाल दिए। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ड्राई फ्रूट्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो आपको पसंद नहीं है उनको स्किप कर सकते हैं। ये देखिए अब थोड़े से भुन गए हैं तो अब हम इनमें ये जो गोला है उसको ऐड कर देंगे। ये लास्ट में ऐड करते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी भूनता है। अगर हम शुरू में ही ऐड कर देंगे तो ये जल जाएगा। देखिए अच्छी तरीके से भून चुके हैं। इनको हम बिल्कुल सिम गैस करके तब भूनेंगे। ये देखिए मैं इनको निकाल लेती हूँ। फ्लेम ऑफ कर दिए मैंने। देखिए इसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा घी और डालेंगे। ये मैंने 1 टीस्पून घी डाला है और इसमें हम ये मखानों को मैंने पहले ही काट कर रख लिया है। देखिए इसको हम इसमें भून लेंगे, थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक भूनेंगे इनको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भुन चुके हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी हो गए हैं। ये देखिए इस तरीके से एकदम टूट जाते हैं तो इसका मतलब ये तैयार हो चुके हैं भुनकर। अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है और इसको अब हम निकाल देंगे। अब कढ़ाई में हम तेल डाल देंगे। और इसको एक बॉइल आने तक वेट करेंगे। ये देखिए इसको एक उबाल आने तक हमें वेट करना था। अब इसमें हम जो हमने मखाने लिए हैं इनको डाल देंगे। एक ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। और ये मैंने थोड़ा सा केसर वाला दूध लिया है, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास केसर ना हो तो आप ना डालें, स्किप कर सकते हैं। ये जो मिश्री है ये मैंने ये धागे वाली मिश्री ली है, इसको मैंने कूट कर इस तरीके से कर दिया है। इसका पाउडर बना लिया है, इसको हम इसमें डाल देंगे। ये आप टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने डाल सकते हैं। और ये मिश्री जब इसमें अच्छे से डिसॉल्व हो जाए तो इसमें हम मावा ऐड करेंगे। ये देखिए मिश्री डिसॉल्व हो चुकी है, इसमें हम मावा ऐड कर देंगे।
मावा मैंने इसलिए ऐड किया है जिससे ये जल्दी गाढ़ा हो जाए। अगर मावा नहीं है तो आप फ्रेश मलाई भी डाल सकते हैं इसमें, या फिर दूध को पका के उसको भी गाढ़ा कर सकते हैं। मावा डालने से ये जल्दी गाढ़ा हो जाएगा, ये हमारी खीर जल्दी बन जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, ये खीर तैयार हो गई है, ये हमारे भगवान जी के भोग के लिए अब तैयार है। अब इसमें हम थोड़ी सी किशमिश और ऐड कर देते हैं, ये मैंने धो के रखी हुई थी, थोड़ी सी मैंने किशमिश इसमें ऐड कर दी है। ये देखिए, देखने में ही कितनी अट्रैक्टिव लग रही है। अब हम इसको ऑफ कर देते हैं फ्लेम को। सर्विंग के लिए तैयार है। ये देखिए, फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।